समझ आ गया। किसकी वजह से हुआ ये सब हमें नहीं पता। मैं पता करके रहूंगा। जाके कपड़े बदल लो। अरे निशी बेटा, तुम तो डॉक्टरी की तैयारी में कर रहे थे। हाँ फायर ब्रिगेड काहे बन गए? चाची फायर ब्रिगेड नहीं, फायर ब्रिगेड। हाँ हाँ वही। चलिए। टाटा वाली, तुम्हारा जवाब सच में कमाल है। तुम कुछ बोल तुम। एक जरूरी काम निपटा के आते हैं। ओ सुरीली, अब काहे खड़ी हो? चलो अंदर। मेरी दीदी चलिए, आज हम लोग छत पर से ना पूरे मोहल्ले का दिवाली देखेंगे। चलिए रुको रुको रुको। था सब हम तुम लोगों से कुछ पूछ रहे हैं। अब क्या पूछ रही हैं? हमारे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उनका बेवकूफ समझती हो तुम? वो आग ऐसे ही लग गया? क्या बात कर रही है माँ? हमसे झूठ मत बोलो सुरीली। माँ जी आपको सच सुनना है ना, तो सुनिए सच। हाँ वो सब हम दोनों ने ही किया। वो आग हम दोनों ने ही लगाई। अब बताइए क्या करेंगे? इसका मतलब भी समझती हो? मतलब आप पूछ रही हैं। आप भूल गए हैं पर हम नहीं भूले हैं। आप लोग भूल गए हैं कि इस लड़की का वजह से हमारा हंसी खुशी जिंदगी में जहर घुल गया है। आप भूल गए हैं कि ये लड़की का चाचा हमारे बेटे को किडनैप करके शादी करा के हमारे बेटे का जिंदगी खराब कर दिया है। और ये लड़की ये घर की बहू बनना चाहती है। आपको ये लड़की पर दया आ रहा है? आप लोग भूल सकते हैं पर हम नहीं भूलेंगे। बात दया की नहीं है भाभी, अगर वो लड़की जल कर मर जाती तो पता है कितना बड़ा मुसीबत आ जाता, पूरा घर जल चला जाता और ऐसे केसेस में 10-10 साल तक जमानत तक नहीं मिलती। अरे जीवन, दिवाली में सब हादसा होता रहता है। जाके अपने भाई के अस्पताल में देख लीजिएगा। बोल देते कि पटाखों से साड़ी में आग लग गया तो हम क्या करते? वो खुद ही पटाखा जला रही थी। तुम बोलोगे और पुलिस वाला मान लेगा? अरे होश में आओ टाटा वाली, इतना गुस्सा सही नहीं है। अपना गुस्सा पे काबू रखो। गुस्से में इंसान अपना विवेक खोकर अपना ही सर्वनाश कर देता है। वो तो भगवान का शुक्र है माँ कि उस लड़की को कुछ हुआ नहीं, बच गई।
और सबसे खतरनाक वाली बात तो यह है कि अगर उस लड़की को पता चल जाता कि ये सारा खेल इन लोगों का है, इन लोगों ने किया है, इन लोगों ने आग लगाया, तो सोचे क्या होता। पर वो उसका क्या नाम है उसके चाचा का, कप्तान सिंह, अगर उसको बता देती ना जाकर के तो पूरा का पूरा बवंडर मचा देता। अरे डरपोक इंसान, कहीं इतना बिलबिला रहे हो, उसको कुछ पता चला? कुछ भी पता नहीं चलेगा, समझे? तुम यहाँ? अनबोल, ए अनबोल बेटा, चाचा जी दिवाली को प्रणाम। चाचा जी प्रणाम बेटा। अरे बेटा जुग 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 चल दिवाली। हैप्पी दिवाली अनमोल। हैप्पी दिवाली। दिलो तुम्हारे लिए दिवाली का मिठाई। प्रणाम, हैप्पी दिवाली। चाचा जी आइए बैठिए ना। अरे नहीं नहीं, अभी बहुत जगह जाना है, हम तो बस तुमको शुभकामना देने आ गए। ठीक है ना। क्या हुआ बेटा, कुछ कहना है क्या? चाचा जी एक बात कहें। हाँ कहो बेटा। चाचा जी अगर कभी हम आप सबसे दोबारा ना मिल पाए तो आप माँ पापा और आरती दीदी से कहना कि हम उनको बहुत प्यार करते हैं। है बेटा ऐसा काहे बोल रही, कुछ हुआ है का? बोलना बेटा। वो चाचा जी असल में हम एक टीवी सीरियल देखे तो उसमें लड़की जल्दी मर जाती है, तो हमने सोचा कि कहीं ऐसा हमारे साथ हो जाए तो। अरे सीरियल वीरियल की कहानी काल्पनिक होती है बेटा, ज्यादा उससे दिल मत लगा। देखती नहीं हो कभी कोई मर जाता है, मरे को फिर जिला भी देते हैं। इन सबको अपने ऊपर हावी मत होने दो बे। हम भी बेटी तो 100 साल जिए, तुमको हमारी उम्र लग जाए। और हाँ बेटा देखो, तुमको अगर सीरियल देखना है देखो नया चैनल आया नजारा टीवी। अरे बहुत बढ़िया बढ़िया शो आता है उस पर, हम देखते हैं।
देखा कर। ठीक। अरे बेटा तुम कहाँ आ रही हो बेटा, जाओ जाके आराम करो जाओ। दादी ने कहा ये इसी कमरे में रहेगी, कुछ समय तो इसे झेलना पड़ेगा ना। देखो हम इस शादी को नहीं मानते और ये तुमको भी अच्छी तरह पता है, इसीलिए ये वाइफ वाला नाटक बंद करो। ये पानी रीसी बेटा के लिए है तो तुम इसको पीने का तो दूर, छूने का भी कोशिश मत करना। ठीक हो लेकिन लेकिन आग लगी कैसे और आग सर्कल के रूप में कैसे लगा? जहां तक हमको याद है वहां पे चाची ने फूलों का सर्कल और रंगोली बनाया, फिर उसमें इतना भयानक आग कैसे लग गया? भुलाई वाले फूलों के नीचे हम पटाखा रख दिए थे और जब वहां दिया रखने गए तो हम भूल गए कि पटाखा रखे हैं और गलती से उस दिया का आग पटाखे में लग गया। वाह ऐसा लापरवाही, और अगर तुमको कुछ हो जाता तो? अगर कुछ हुआ तो नहीं ना। तुम बात को ज्यादा हल्के में मत लो, अगर तुमको कुछ हो जाता ना तो सब लोग हमको दोषी मानते और फिर तुम्हारे चाचा आ जाते हमारा गला दबाने। कुछ हुआ तो नहीं ना? चलो अब सो जाओ। अरे पापा ये क्या कर रहे हैं आप? बेटा आज दीपावली है और दीपावली के दिन लक्ष्मी जी की पूजा होती है और हमारे लिए लक्ष्मी जी हमारी दोनों बेटियां हैं। दोनों बेटियों के पैर छूने का मतलब है लक्ष्मी जी के पैर छूना। हैप्पी दिवाली पापा। ठीक है।
अरे दिलीप, ये सब लेके कहाँ गया था? छोटी बहू, दिलीप नहीं, दिलीप कुमार कहिए, और ये सब हम मजदूर लोग को दिया था ना, उन्हीं से लेकर के आ रहे हैं। मजदूर? कौन मजदूर? बड़ी बहू, वो पीछे पाइपलाइन खुदाई का काम चल रहा है ना, वहाँ काम कर रहे मजदूरों को कुदाल और गैता कम पड़ गया था, हम उन्हें दे दिए। वाह, दूसरा के धन पे बड़ा लक्ष्मी नारायण बनता है, जब दे ही दिए थे तो वापस काहे ले आए? दरअसल बड़ी बहू, तो जो मजदूर लोग है ना, हरिया पी के जरूरत से ज्यादा गड्ढा खोद दिए, अब उनका सुपरवाइजर आया, डांट लगाया, मजदूर गया भाग, अब सुपरवाइजर जब नया मजदूर लाएगा तब काम होगा। तो वो लोग वैसा ही गड्ढा छोड़ के चला गया? तो क्या करता, अब इतना जल्दी नया मजदूर नहीं मिलता ना। चाय छोड़ो और चलो हमारे साथ आओ। हम लोग बाजार जा रहे हैं, चलोगी का? अरे इसे कहे चलने के लिए बोल रही हो? ये इतना बड़ा थैला उठा पाएगी? कुछ हो बोलती हूँ। हम उठा लेंगे, हम करते हैं घर का काम। अच्छा जी, तो लो चलो चलो। चाची, मार्केट का रास्ता तो उस तरफ है, आप इस तरफ काहे जा रही हैं? अरे हाँ, उधर से तो रास्ता है, लेकिन इधर से चलो ना, इधर से शॉर्टकट का रास्ता है। अरे साहब, भागो! अरे भागो! बन रहा है, वहां शॉर्टकट से जाता हूं। बचाओ, बचाओ, कोई है? बचाओ, हमें बचाओ, कोई है? बचाओ। तुम यहां कैसे?
चिंता मत करो, हम कुछ करते हैं। एक काम करो, इस पर पैर रखो, रखो। अच्छा, यहां से ट्राई करते हैं। काम करो, बैठो। हम कह रहे हैं ना बैठो, बाहर निकलना है नहीं तो बैठो। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Nazara.